अस्पताल पठारी से सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में आया है। तो जिसकी सूचना पर अस्पताल पहुंचकर देखा ग्राम बिसराही का बहादुर सैन उम्र 23 साल के सिर में चोट थी, जो बेहोशियार लग रहा था। उसके पिता कल्लू सैन पूछताछ की गई, जिसने बताया कि एक युवक पर प्राण घातक हमला हुआ। आरोपी को 3 घंटे में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिस्सा जिले के पठारी थाना अंतर्गत ग्राम बिसरही में एक 23 वर्षीय युवक बहादुर सैन पर ग्राम के ही कुंवर सिंह कुर्मी ने लाठियों से प्रहार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। घटना के संबंध में थाना प्रभारी शैलेंद्र नायक ने बताया कि फरियादी कल्लू पिता बाबूलाल सैन ने पठारी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसकी ग्राम के कुंवर सिंह कुर्मी से पुरानी रंजिश चल रही है। आज जब उसका 23 साल का लड़का वर्षी बहादुर सैन गाँव में शादी के निमंत्रण देकर सरकारी भवन के पास बैठा हुआ था, तभी कुंवर सिंह कुर्मी हाथ में लाठी ले आया और आते ही उसने बहादुर को सिर में लाठी से प्रहार कर दिया एवं शरीर के अन्य भागों में भी उसने लाठी से प्रहार किया, जिससे बहादुर घटना स्थल पर ही बेहोश हो गया। जिसे उसके पिता गंभीर हालत में पठारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान डॉक्टर ने बहादुर को गंभीर हालत होने की वजह से बिस्सा जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। SI शैलेंद्र नायक ने आरोपी के विरुद्ध धारा 307, धारा 294, धारा 323, धारा 506 के तहत प्रकरण दर्ज कर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में एक टीम गठित कर सहायक उप निरीक्षक शैलेंद्र नायक, मान सिंह यादव और राजेंद्र शर्मा, आरक्षक नीरज चौबे एवं प्रवीण द्वारा घेराबंदी कर आरोपी कुंवर सिंह को उसके घर से घटना के 3 घंटे में ही गिरफ्तार कर लिया गया है। बिस्सा पठारी से हमारे रिपोर्टर आशीष सहेल की रिपोर्ट। बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। अस्पताल पठारी से सूचना प्राप्त हुई, एक व्यक्ति घायल अवस्था में आया है। जिसकी सूचना पर अस्पताल पहुंचकर देखा ग्राम बिसराही का बहादुर सैन उम्र 23 साल के सिर में चोट थी, जो बेहोशियार लग रहा था। उसके पिता कल्लू सैन से पूछताछ की गई, जिसने बताया कि उसकी गांव में कुंवर सिंह कुर्मी से पुरानी बुराई थी, जिस कारण उसने प्राण घातक चोट पहुंचाई। जो रिपोर्ट पर धारा 307 का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में दिया और गांव टीम गठित कर मात्र 3 घंटे में धारा 307 का आरोपी कुंवर सिंह कुर्मी को गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया।